हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है वो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी देख लिया है, जहाँ पे किसी भी बिजनेस को बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है या जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये कॉर्पोरेट फाइनेंस आता कहाँ कहाँ से है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मेनली आपका जो कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है वो दो जगह से आ सकता है, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का खुद का कैपिटल होता है जो कंपनी में लाइफ टाइम तक रहता है। बोरोड कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो कंपनी ने उधार में लिया रहता है और वो जो पैसा होता है वो कंपनी को कुछ सालों के बाद में रीपे करना पड़ता है। अगेन आप देख रहे हो कि ओन कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग, फिर वापस से शेयर को फर्दर डिवाइड किया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। बोरोड कैपिटल को डिवाइड किया है डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट एसेट। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो वी विल स्टार्ट विथ ओन कैपिटल फर्स्ट। सी बेसिकली ओन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो कंपनी का खुद का कैपिटल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कंपनी में लाइफ टाइम तक रहता है। और ये ओन कैपिटल में सबसे पहले आता है आपके शेयर्स। तो हम लोग अभी ये वीडियो के अंदर शेयर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले शेयर क्या होता है, शेयर के बारे में लास्ट ईयर भी 11th स्टैंडर्ड में आप लोग ने सुना था, बट एक्चुअली में शेयर क्या होता है या शेयर का क्या रोल होता है उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो सपोज आपके बिजनेस के लिए आपको जरूरत है 1,00,000 रुपए की। मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया है, बट एक्चुअली में कंपनीज को बहुत बड़े बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। तो मुझे बिजनेस करने के लिए कैपिटल की जरूरत है 1,00,000 रुपए की। ये पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए जो है मुझे एक इंसान से नहीं मिल सकता है या एक जगह से नहीं मिल सकता है। तो मुझे ये कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, 1,00,000 रुपए मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 10,000 शेयर बनाए और एक शेयर का प्राइस होगा 10 रुपया। तो देखो ऐसे मैंने छोटे छोटे हिस्से किए, ऐसे मैंने कितने हिस्से किए, 10,000 बनाए। और ये हर एक छोटे छोटे हिस्से को या हर एक छोटे छोटे यूनिट को या हर एक छोटे छोटे पार्ट को हम लोग शेयर बोलते हैं। तो मैंने टोटल शेयर कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया और हर एक यूनिट को मैं क्या बोलूंगा, शेयर बोलूंगा। अभी मैं इसको क्या करूंगा, पब्लिक को बेचूंगा और शेयर को मैं पब्लिक को बेच के पब्लिक के पास से मैं क्या करूंगा, पैसे लूंगा। तो कोई एक शेयर खरीदेगा, कोई 10 शेयर खरीदेगा, कोई 50 खरीदेगा, कोई 100, कोई 500, जैसी जिसकी कैपेसिटी होगी उतनी वो क्या करेगा, शेयर परचेस करेगा और उतना वो पैसा क्या करेगा, कंपनी के कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। सो ऐसे टोटल मैं क्या करूंगा, 10,000 शेयर बेचूंगा, एक शेयर के पीछे मुझे 10 रुपया मिलेगा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे जो पैसे की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, वो मुझे मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे सेक्शन 284 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो ये शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया, बिजनेस करने के लिए जो पैसा लगता है उसके अंदर जो एक शेयर होता है, उसके अंदर जो हिस्सा होता है, छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। फिर आगे देखो उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है, द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। मतलब ये कंपनी के कैपिटल को मैंने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, 10,000 उसके पार्ट्स बनाए, 1,00,000 रुपीज का एक पार्ट का प्राइस रहेगा 10, और ये हर एक छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोटल कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। और हर एक पार्ट की एक प्राइस होती है, जो मैंने यहाँ पे 10 रुपया लिखा है, और ये 10 रुपया को हम लोग क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। तो शेयर के ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है शेयर की, उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। ना आगे देखो क्या लिखा है कि कंपनी क्या करती है, मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड करती है ताकि पब्लिक उसको सब्सक्राइब कर पाए। सब्सक्राइब करना मतलब क्या, परचेस कर पाए। वो स्मॉलर यूनिट्स को लोग क्या करेंगे, परचेस करेंगे। अगर सपोज मैं किसी से 1,00,000 रुपया मांगूंगा सीधा सीधा, या मैं सपोज अगर उनसे कोई बड़ी अमाउंट मांगूंगा तो वो नहीं दे पाएंगे। बट अगर वो बड़े अमाउंट को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और सब लोगों से मैं थोड़े थोड़े पैसे अगर कलेक्ट करूंगा तो मेरे लिए वो कैपिटल कलेक्ट करना इजी रहेगा। सो कैपिटल को हम लोग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक क्या कर पाती है, कैपिटल को सब्सक्राइब कर पाती है या शेयर को परचेस कर पाती है। और
एक इंसान जो है वो कितने भी शेयर परचेस कर सकता है, मतलब एक शेयर अगर उसको परचेस करना है तो एक शेयर परचेस कर सकता है, उसको 5 शेयर परचेस करने 5 कर सकता है, 50 शेयर परचेस करने 100 शेयर परचेस करने 500 शेयर परचेस करने, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना वो शेयर परचेस कर सकता है, कोई भी लिमिट होता नहीं है। तो सपोज ये एक पर्सन है, इसने क्या किया 5 शेयर परचेस किए, तो इसने कंपनी को कितने दिए 50 रुपए दिए। वैसे दूसरा हो सकता है वो 500 शेयर परचेस करेगा और वो कंपनी को 5,000 रुपए देगा। तीसरा पर्सन है उसने 100 शेयर खरीदे और वो कंपनी को क्या करेगा 1,000 रुपए देगा। तो ऐसे हर एक इंसान क्या करेगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से चाहिए उतने शेयर परचेस कर सकता है। अभी जो कंपनी के शेयर परचेस कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर या इसको हम लोग बोलेंगे मेंबर ऑफ द कंपनी। सो द पर्सन हु परचेसेस शेयर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर और द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया शेयर का क्या होता है, कि कंपनी टोटल शेयर कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करती है और ये हर एक पार्ट को कंपनी क्या करती है मार्केट में बेचती है, पब्लिक को बेचती है और कंपनी क्या करती है उनसे पैसे लेती है। तो शेयर ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसको शेयर सर्टिफिकेट बोला जाता है, जिसके ऊपर कंपनी का नाम होता है, फिर वो शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होता है, तुम्हारा नाम होता है एज अ शेयर होल्डर, फिर वो शेयर का प्राइस कितना है, फिर उसके ऊपर कंपनी का कॉमन सील मतलब स्टैंप होता है, उसके ऊपर डायरेक्टर की सिग्नेचर वगैरह होती है और ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। उसका मतलब क्या है कि आपने कंपनी को उतने पैसे दिए हैं और अब कंपनी के कौन हो शेयर होल्डर हो, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले। तो समझ में आपको शेयर का कॉन्सेप्ट कि कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है शेयर बेचती है पब्लिक को और अपने कैपिटल को कलेक्ट करती है और उससे कंपनी क्या करती है बिजनेस करती है। अभी हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ शेयर। तो ऑलरेडी मैंने मीनिंग आपके साथ डिस्कस किया कि जो टोटल शेयर कैपिटल होता है उसको अपने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे आपको ये 1,00,000 रुपए की जरूरत थी तो आपने क्या किया उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, ऐसे 10,000 पार्ट बनाए और ये हर एक छोटे छोटे पार्ट को स्मॉल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं शेयर बोलते हैं, दैट इज द मीनिंग। ओनरशिप, जो कंपनी के शेयर परचेस करता है उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। तो इसने अगर कंपनी के शेयर परचेस किए थे तो ये शेयर होल्डर हो गया और शेयर होल्डर को ही हम लोग क्या बोलते हैं कंपनी के ओनर्स। बिकॉज क्या होता है कि ये कंपनी को पैसा दे रहे हैं, इनके पैसे से बिजनेस चल रहा है, तो जो कंपनी को पैसा दे रहा है उनको हम लोग क्या बोलेंगे ओनर्स। तो जो कंपनी के शेयर परचेस करेंगे उनको शेयर होल्डर बोलेंगे एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। फिर बाद में है डिस्टिंक्टिव नंबर। नाउ डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब होता है अलग अलग नंबर, जैसे तुम्हारे कॉलेजेस में रोल नंबर होते हैं, सबके अलग अलग रोल नंबर होते हैं, वैसे ही शेयर्स के क्या होते हैं कुछ नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स होते हैं। और ये नंबर जो होता है वो कहाँ पे लिखा हुआ रहता है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला था कि कंपनी क्या करती है आपको पहले लेटर भेजती है, जैसे कि आपने सपोज अप्लाई किया था कंपनी में शेयर परचेस करने के लिए, फिर कंपनी आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी और आपको लेटर भेजेगी कि आपको शेयर मिल चुके हैं और 3 महीने के बाद में आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट में कंपनी का नाम, शेयर का नंबर, फिर आपने कौन से शेयर खरीदे वो उसका प्राइस, फिर आपका नाम होगा एज अ शेयर होल्डर, उसके ऊपर कंपनी का स्टैंप, डायरेक्टर की सिग्नेचर, ऐसे सब चीजें होती। तो ये अगर सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा मतलब आप वो शेयर्स का क्या हो मालिक हो, ऐसा उसको स्पेसिफाई किया जाता है। तो हर एक शेयर सर्टिफिकेट का क्या होता है एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है और ये डिस्टिंक्टिव नंबर क्यों दिया जाता है वो शेयर को पहचानने के लिए। देखो 0523712 नंबर का शेयर सर्टिफिकेट है, फिर दूसरा रहेगा 0523713, फिर 714, फिर 715, ऐसे अलग अलग नंबर रहते हैं जिसके वजह से हम लोग शेयर को क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। सबको एक जैसे नंबर होते नहीं है और ये नंबर कहाँ पे लिखा रहता है डिस्टिंक्टिव नंबर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, ये आप लोग देख रहे हो ये शेयर सर्टिफिकेट है यहाँ पे नंबर लिखा है। अभी यहाँ पे जो मैंने ये रेड में लिखा है अनलेस डीमटेरियलाइज्ड, सी पहले कैसे हुआ करता था पेपर फॉर्म में शेयर हुआ करते थे, पेपर फॉर्म में मतलब आपको अप्लाई करना पड़ता था कंपनी में और फिर कंपनी आपको शेयर अलॉट करती थी और फिर आपको शेयर सर्टिफिकेट ऐसा एक कागज के फॉर्म में मिलता था। अभी ये कागज के फॉर्म में शेयर में क्या होता था कि ये कभी फटते थे, कभी चोरी होते थे, कभी कभी इसकी रॉन्ग डिलीवरी किसी रॉन्ग पर्सन को चली जाती थी या कभी कभी ये मिसप्लेस होने के चांसेस हो सकते हैं, घूम सकते हैं। तो अभी क्या हो चुका है डीमटेरियलाइज शेयर आ चुके हैं। नाउ डीमटेरियलाइज का मतलब होता है डीमैट, आप सबने डीमैट के बारे में सुना होगा। डीमैट एक आपके बैंक अकाउंट के जैसा होता है पर डीमैट के अंदर आप लोग क्या करते हैं सिक्योरिटीज को बेचते और खरीदते हो, मतलब आपको शेयर खरीदने हैं, डिबेंचर खरीदने हैं या दूसरे कोई भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदने, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है।
तो डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में जो शेयर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। सो यहाँ पे अभी मुझे क्या कहना है, अगर पेपर फॉर्म में आपके शेयर्स रहते हैं तो हर एक पेपर फॉर्म का जो शेयर होता है उसका डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, पर डीमटेरियलाइज शेयर जो होते हैं या ऑनलाइन जो शेयर्स होते हैं उसका कोई भी नंबर होता नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे अनलेस लिखा है, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है डीमटेरियलाइज शेयर का कोई डिस्टिंक्टिव नंबर होता नहीं है, फिजिकल फॉर्म के जो शेयर्स होते हैं उनके डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं और वो डिस्टिंक्टिव नंबर जो होता है वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है। शेयर सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या करती है, जब आप शेयर परचेस करते हो तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट देती है जिसके अंदर आपके सारे डिटेल्स वगैरह लिखे रहते हैं, शेयर के डिटेल्स वगैरह लिखे रहते हैं, कंपनी का कॉमन सील और डायरेक्टर की सिग्नेचर वगैरह होती है। तो ये शेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा और इसके ऊपर आपका नाम लिखा रहेगा तो इससे ये स्पेसिफाई होता है कि आप वो शेयर के क्या हो, ओनर हो। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब ही क्या होता है, यू आर द ओनर ऑफ इट, मालिक हो आप उसके, टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर। और ये जो सर्टिफिकेट होता है वो किसके अंडर इशू किया जाता है, कंपनी के कॉमन सील, कॉमन सील मतलब कंपनी के स्टैम्प के अंडर, उसके ऊपर वो स्टैम्प भी रहता है, ये कंपनी की सिग्नेचर कंसिडर की जाती है। तो शेयर एक्चुअली में दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता है, इसके लिए क्या किया जाता है, तुमको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है या फिर तुम लोग का जो डीमैट अकाउंट होता है उसके अंदर तुम लोग को वो शेयर वगैरह दिखाई देते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट इट इज अ डॉक्यूमेंट टाइटल टू ओनरशिप ऑफ द शेयर विच इज इश्यूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, जो हर एक शेयर होल्डर को मिलता है कंपल्सरी। वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस या कीमत जो मनी फॉर्म में होती है शेयर की। तो तीन टाइप के वैल्यूज यहाँ पे दिए, सबसे पहले फेस वैल्यू। नाउ फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाया, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्राइस लिखी रहती है ये वाली 10 रुपए, उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो वैल्यू है या कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसके बारे में आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। सो ये जो वैल्यू होती है शेयर की वो तुम्हारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी मेंशन की रहती है। सो शेयर की जो वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी रहती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। ना दूसरा है आपका इश्यू वैल्यू। ना इश्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिस प्राइस में कंपनी शेयर को बेचती है। सी, जरूरी नहीं कि कंपनी के जो ये शेयर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर 10 रुपया लिखा है तो उतने में ही कंपनी शेयर को बेचती है। कभी कभी कंपनी क्या कर सकती है, 10 रुपए का शेयर कम प्राइस में भी बेच सकती है, जैसे 9 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया, या सेम प्राइस में भी बेच सकती है, या कभी कभी ज्यादा में भी बेच सकती है, 11 रुपया, 12 रुपया। जब कंपनी बहुत पॉपुलर होती है, कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा होता है, तो ज्यादा प्राइस में तुम लोग शेयर को बेच सकते हो फेस वैल्यू से ज्यादा। जब कंपनी नई होती है, लोगों को पता नहीं होता है, तो कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कम प्राइस में शेयर जो होती है उसको सेल कर सकती है। सो इश्यू वैल्यू जो होती है वो आपके फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। तो इश्यू वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू एट विच द कंपनी सेल इट्स शेयर इन द मार्केट। तो फेस वैल्यू मैंने आपको बताया शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी रहती है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर लिखी रहती है। इश्यू वैल्यू मतलब जितने में कंपनी शेयर को बेचती है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जो होता है तुम्हारे शेयर्स का मार्केट में, उससे जो प्राइस तुम्हारी डिटरमाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। जैसे आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है कि उसका डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। अगर उसका डिमांड बहुत रहेगा, सप्लाई कम रहेगा, तो उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। अगर उसका डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसका प्राइस कम होते जाता है। और जहां पे आपका ये डिमांड एंड सप्लाई मैच होता है वो आपका प्राइस डिटरमाइन करता है। सो आपके शेयर की डिमांड कितनी है मार्केट में, सप्लाई कितना हो रहा है, उसके हिसाब से प्राइस जो होती है डिसाइड, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। सो शेयर के तीन प्राइस होते हैं, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू जिसमें कंपनी शेयर को बेचती है, और मार्केट वैल्यू मतलब कंपनी ने शेयर को मार्केट में बेचने के बाद में लोग उसको डिमांड कितना कर रहे हैं, सप्लाई कितना हो रहा है, उसके बेसिस पे उसकी प्राइस जो होती है वो ऊपर नीचे हमेशा होती रहती है। तो फेस वैल्यू हमेशा आपकी फिक्स रहती है, इश्यू वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो होती है वो आपकी कम ज्यादा हो सकती है फेस वैल्यू से। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, आप लोग जब कंपनी के शेयर परचेस करते हो तो आपको कुछ राइट्स कॉन्फर होते हैं, कॉन्फर मतलब मिलते हैं। नाउ कौन से राइट्स मिलते हैं, देखो सबसे पहले आपको अधिकार मिलता है डिविडेंड का। नाउ डिविडेंड का मतलब क्या होता है, देखो शेयर होल्डर ने कंपनी को क्या किया, कैपिटल दिया है, और जब भी आप किसी को पैसे देते हो तो उसके बदले में आपको उसके ब्याज मिलता है।
तो ब्याज को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसके बदले में उनको रिटर्न में जो देती है या एज अ इनकम उनको जो देती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो हर एक शेयर होल्डर जिसने कंपनी के शेयर परचेस किए उसको हर साल के एंड में 31 मार्च खत्म होने के बाद में जब कंपनी की बैलेंस शीट क्लोज हो जाती है, प्रॉफिट अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो उनका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनको डिविडेंड पे किया जाता है। हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना उनका राइट होता है। फिर कंपनी के जो स्टैट्यूटरी बुक्स वगैरह होते हैं, जैसे मिनट्स बुक वगैरह हो सकते हैं या दूसरे कोई भी रजिस्टर्स वगैरह होते हैं कंपनी के, वो रजिस्टर्स वगैरह इंस्पेक्ट करने का उनको पूरा अधिकार है। वो लोग एक नॉमिनल फीस वगैरह पे करके उनको वो सब बुक्स अवेलेबल करके दिए जाते हैं और वो लोग उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा वाला है आपका, शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है लास्ट ईयर अपने टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ा था, एनुअल जनरल मीटिंग, फिर बाद में अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वगैरह पढ़ाया था, तो वो मीटिंग्स अटेंड करने की जो अधिकार होती है वो शेयर होल्डर की होती है। ओके, सेक्रेटरी को उनको लेटर भेजना ही पड़ेगा, नोटिस भेजना ही पड़ेगा और उनको इनवाइट करना पड़ेगा और वो मीटिंग अटेंड करके मीटिंग के अंदर वोट भी कर सकते हैं। ना वोटिंग करना मतलब क्या, कोई भी डिसीजन लेने के लिए शेयर होल्डर को पूछा जाता है कि आपको इसके बारे में क्या कहना है। जैसे कोई मशीन खरीदनी है तो फिर कंपनी क्या करती है, वो प्रपोजल हर एक शेयर होल्डर के सामने रखती है कि ये मशीन है, उसके ये फीचर्स है, उसकी ये प्राइस है, कितने लोग इसके लिए हाँ बोल रहे हैं और कितने लोग ना बोल रहे हैं। वो जो हाँ या ना बोलना होता है उसको बोलते हैं वोटिंग करना। तो सपोज 10 लोग है, 10 लोग में से 7 लोग हाँ बोल रहे हैं और 3 लोग ना बोल रहे हैं, तो उसका वोटिंग इस तरीके से होगा और जो हाईएस्ट रहेगा उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। सो वो वोटिंग करने का अधिकार भी क्या होता है, शेयर होल्डर को होता है। कोई भी ये अधिकारों के लिए शेयर होल्डर को मना नहीं कर सकता है बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इनकम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको अभी पहले स्लाइड में ही बताया कि शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बदले में उनको कुछ इनकम मिलता है या कुछ रिटर्न मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और ये डिविडेंड किसका हिस्सा होता है, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होने के बाद में आपको नेट प्रॉफिट मिलता है, वो नेट प्रॉफिट में से एक पार्ट होता है जो शेयर होल्डर को पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो हर एक शेयर होल्डर को कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे करती है हर साल के एंड में, और ये डिविडेंड जो होता है वो आपके नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है, नेट प्रॉफिट में से वो पे किया जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप शेयर को क्या कर रहे हो, किसी को बेच रहे हो या किसी को दे रहे हो। तो यहाँ पे देखो दो कंपनीज के बारे में बताऊंगा आपको, एक तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और दूसरा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, वो आगे हम लोग डिस्टिंग्विश के फॉर्म में देखने वाले हैं। अभी सिर्फ आप ये दो कंपनीज को याद रखो। अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके शेयर जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर अगर आपने परचेस किए तो उसको आप चाहिए उसको चाहिए तभी बेच सकते हो, बट आर्टिकल में उसका प्रोविजन होना जरूरी है। आर्टिकल्स मतलब आपको पता है कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कंपनी का जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है करके। तो अगर ऐसा लिखा रहेगा तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप लोग चाहिए तभी किसी को भी बेच सकते हो। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होते हैं उसके ट्रांसफर के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, आप लोग कभी भी उसको बेच नहीं सकते हो, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके ट्रांसफर करने के ऊपर। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर के ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर जो होती है वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, मूवेबल होती है। मूवेबल मतलब उसको आप चाहिए जहां पे लेके जा सकते हो। जैसे आपका घर है तो घर आपकी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप लोग घर को किसी कहीं पे लेके नहीं जा सकते हो, बट शेयर्स को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। एक अगर आपके पेपर फॉर्म में शेयर है आपके पास तो आप उसको फाइल में रख के कहीं पे भी लेके जा सकते हो। अगर आपका डिमटेरियलाइज फॉर्म में ऑनलाइन शेयर है तो उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, कहीं पे भी जाके आपको उसके ऊपर लॉग इन आईडी और पासवर्ड वगैरह एंटर करना रहता है और आपके सामने आपके पूरे शेयर का जो डिटेल है वो आ जाएगा। सो शेयर जो होती है वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी होती है, बट ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, मूवेबल होती है, जो शेयर होल्डर कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज काइंड्स ऑफ शेयर। काइंड का मतलब होता है दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ही है जिसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल आप लोग इतना याद रखो कि दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ये सारे URL से जहां से मैंने इमेजेस लिए है ये वीडियो के। थैंक यू स्टूडेंट्स, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.